एक समय रहे जब हम रवा से घृणा करत रहनी, परंतु अब रवा ऐसा नहीं खे रहले, रवा ऊ बाड़े जे हमरा पे विश्वास करेले, और हम रवा के निर्णय पे विश्वास करे लागल बानी। महामंगा, जलाल रवा के बहुत इज्जत देवेले, लेकिन रवा अपन हैसियत मत भूलिया। अभी तक आज तक शहंशाह के एक ही बेगम एक खास रहे, लेकिन आज उनकरा बेगम एक खास के गिनती में इजाफा हो गई बा। बेगम एक खास के गिनती बदल गई बा। कहीं ऐसा ना होके कि वो गिनती के अंदर के नाम भी बदल जाए। माफ करी है शहंशाह, आवे में थोड़ा देर हो गई। रवा के हुक्म के मुताबिक रवा के तीन खास बेगम रवा के सामने पेश बाड़ी। एक खास वजह से हम आप सबके यहाँ बुले ले पानी। हम क्या लागेला कि आदम खान के मामला सियासत से बड़बा एक औरत के सोच और कर हक के बा, और यकीनन आप तीनों बहुत दानिश पानी। आप हमेशा अपन सल्तनत के हक के बारे में सोचे ली। एक खातिर कल दीवाने खास में कुछ भी फैसला लेवे से पहले हम आप सबसे मशवरा करे चाहता नहीं। हम आपसे सलाह मशवरा करे चाहब, आप तीनों अपन दिल और दिमाग के बात हमरा सामने रख दी ताकि हमरा से कोनो गलती ना होके। चौदह बेगम, हम देख ले रहनी आप दीवाने खास में हमसे कुछ कहे चाहत रहनी, लेकिन हमारा अम्मी जान आपके रोक दे ली। वहां आप फरियादी रह लिया और हम शहंशाह, मगर यहाँ आप हमार बेगम बनी, हम आपके शोहर। इखतर जौन भी कहे के बा बेझिझक खुल के कहीं। सबसे पहले तो रवा के अपन आभार प्रकट करे चाहब कि रवा हमके चर्चा में सम्मिलित कैले और हमके अपन परिवार के सदस्य समझ ले। हम एक बात और स्पष्ट कर देवे चाहत बानी, हम महामंगा जी के निर्णय के विरुद्ध नहीं खे बानी। जे कुछ भी कैली उन नियम और नीति के अनुसार कैली। हम आदम खान के भी विरुद्ध नहीं खेबानी। हमार विरोध बा तई तंत्र से, ई व्यवस्था से, जहां नारी के कौनो मोल नहीं खे, ना ओकर इच्छा के, ना ओकर मर्यादा के। और ई बात ना केवल ई महल में बा, बल्कि पूरा देश में व्यापक बा। हर धर्म हर जाति से ऊपर आज ई समस्या आपन स्थान बना ली लेबा। नारी के लोग वस्तु समझे लागल बाड़े शहंशाह। जे माता पिता के पास धन नहीं खे, वो धन के खातिर ओकरा के बेच सकेले, और जेकरा पास धन बा वो विलासता खातिर ओकर उपभोग करेले। जब चाह ओकर क्रय कर लेले, जब चाह ओकरा बेच देले, जब चाह ओकरा के भेंट में दे देले, जब चाह ओकर मान भंग कर देले, जब चाह ओके विजय के चिन्ह बना के जीत लेले, और जब चाह ओके पराजय के मोल समझ के चुका देले। हमके ई व्यवस्था पे रोष बा शहंशाह। नारी वस्तु नहीं खे बा शहंशाह। ऊ एगो माँ बिया, एगो बेटी बिया, एगो पत्नी बिया, उस संसार के जन्म देली, और इस संसार वाला ओके वस्तु समझ लेले। ई व्यवस्था में परिवर्तन लावे के होखी शहंशाह, एक राह में बदलाव लावे के होखी। जोधा बेगम, हम आपके दर्द आपके बात के अच्छा तरह से समझ पौत बानी, लेकिन ये रिवाज बाकी एक औरत के पहले अपन वालिदैन के मुताबिक चले के पड़ेला, ओकरा बाद में शौहर के मुताबिक। आप जो कहा था नहीं, ओकरा खातिर तो हमके नया कानून ही बनावे के पड़ी। बहरहाल सलीमा बेगम, आपका कहे चाहब। शहंशाह, जहां तक कायदा और कानून के बात बा, हम महामंगा से इत्तफाक रखत बानी। सदियों से हमनी के यहाँ निकाह ऐसे ही होता आइल बा, लेकिन जहां तक औरत के हालात के बात बा, हमके जोधा बेगम के बात में वजन लागत बा। और रुकैया बेगम, आपका कहब। बेगम रुकैया के सियासी मुआमला के अच्छा समझ बा शहंशाह। हमके यकीन बा
की बेगम रुकैया हमरा फैसला से इत्तेफाक रखी हैं। ना महामंगा, ई मामला में हम जोधा बेगम से इत्तेफाक रखत बनी। एगो लड़की के शान और इज्जत के मामला में जोधा बेगम वजह फरमाउत बनी। एगो नाबालिग लड़की के निकाह अपना उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा आदमी के साथ और ऊ भी ओकरा मर्जी के खिलाफ गुनाह बा। और रहल बात ऊ लड़की तस्नीम के, तक्का ओकरा साथ ना इंसाफी ना हो रहल बा। ई ओकरा से बेहतर और केहू न जान सकेला शहंशाह। हमके लागत बा कि रउआ के ऊ लड़की से बात करे के चाही कि ऊ ई निकाह के खातिर रजामंद बा या ना। और आखिरी फैसला ऊ लड़की के ही होके के चाही। हम आप तीनों के मशवरा खातिर आपके शुक्रिया अदा करता नहीं। हम यकीनन इन पे गौर फरमाई। और बड़ अम्मी, कल दीवाने खास में हम तस्लीम से मुखातिब होके चाहब। लेकिन हम खुश भी बानी कि वो रउआ के खास कहके अपनापन जतावे शुरू कर देले बले। शहंशाह के मन में का चल रहल बा कुछ समझ नहीं के आवेला। कभी क्रोधित हो जाले और कभी अचानक मान दे देले। आज हमके खास बेगम में सम्मिलित कर लेले। जोधा, का भइल? तू ठीक तो बाड़ू ना? इतना देर रात में हमके बुलाइलू? हाँ हाँ, ठीक बानी, परंतु तहार श्वास काहे भूलल बा। शांत हो जा अम्बा माँ की कृपा बा। हम तो डर ही गए रानी कि अचानक से इतना रात में कहाँ हो गई। कुछ ना मोती, बस तारा से बात करे के मन करत रहे, यही खातिर तहरा बुला लेनी। यही खातिर तो हम तोरा साथ आयल बानी। कहे के दासी बानी, परंतु एक सहेली एक बहन के तरह हर बात तू हमरा के बतावेलू। बतावा का बात बा मोती? आज शहंशाह हमके रुकैया बेगम और सलीमा बेगम के बुलाइले रहले, आदम खान और तस्लीम के विषय में बात करे खातिर। अच्छा, ता ऐसन का कहले शहंशाह आदम खान के बारे में जे तू इतना सोच में बाड़ू? ना, हम आदम खान के विषय में नहीं खे सोच रहल बानी। हम ई बात से विस्मित बानी कि शहंशाह महामंगा जी से कहले कि उनकर तीनों खास बेगम के बुलाए और ओकरा में से एक नाम हमार रहे। सर जोधा, बहुत खुश बानी कि अंततः ई महल में तोरा के वो स्थान मिल रहल बा जेकर तू अधिकार नहीं बाड़ू। पता ना, हमरा के विश्वास नहीं खे हो रहल बा कि शहंशाह हमरे विषय में ऐसन सोच ले। ला तोहर समस्या का बा जोधा? जब शहंशाह तोरा पे विश्वास ना करे तब आश्चर्य, शहंशाह तोरा पे विश्वास करे तब आश्चर्य। तू बतावा, तू शहंशाह के खास बेगम बने चाहत बाड़ू की ना? पता ना मोती, यही खातिर तो तहरा यहाँ पे बुला ले बानी। बात ई बा जोधा कि तोहर कोनो समस्या बा ही ना। आज तोहरा के नींद नहीं के आवे वाला, काहे कि जब हम साधारण से विशेष बनेनी तो ऐसा नहीं होखेला। तोके कुछ देर अकेले रहे के आवश्यकता बा। और हाँ, ई तथ्य के समझे के आवश्यकता बा कि शहंशाह जे कहेले वो औपचारिकता से ना, अपना हृदय से कहले। वो तोके अपन समझे लागल बाड़े जोधा। अब तो हार बारी बा, हम चलत बानी। मोती, थोड़ी देर रुका, हमके तरह से तस्लीम के विषय में भी बात करे के बा। जोधा, शहंशाह तोहार बात सुन के आदम खान के आरोपी मन ले और अब यही विषय में तोके मंत्रणा करे खातिर भी बुलाई ले। जब शहंशाह तोके अपन माने लागल बाड़े जोधा, ता ई मान के चला कि तस्नीम के विषय में भी वो उचित न्याय ही करी है। हमार मानल बा कि हमार सबसे बेहतरीन तोहफा हमके जोधा बेगम देले बाड़ी। और इन नायाब तोहफा खातिर हम जोधा बेगम के शुक्रिया अदा करतानी और इनसे इल्तजा करतानी कि हमरा पास आके बैठे। आपके सोच हमके लाजवाब कर देला जोधा बेगम।
आप हमरा और आवाम के बीच के दूरी कम कैनी और उनकर दुआ हमार और खुदा के बीच के फासला कम कर देलस। सलाम। सलाम। तस्नीम, घबराए की जरूरत नहीं खे। शहंशाह तोरा से बात करे के चाहत बड़े, बिना के हुसे डरे। आपन दिल के बात साफ साफ कह दा। अम्मी अब्बू बात कहले रहे ना शहंशाह से। बेशक, मगर हम आपसे बात करे चाहता नहीं बेटा। घबरावा मत तस्नीम, देखो शहंशाह खुद तोरा सामने खड़ा बाड़े। वो जे भी पूछे ओकर बिना डरे जवाब दे। हाँ तस्नीम, आप निकाह के बारे में का जाने ली? जब काजी साहब पूछे ले तब हम कबूल बा कहीं नहीं। और अच्छा जोड़ा और लजीज खाना खाए के मिलेला। और का आप ही निकाह करे चाहता नहीं? इधर रस्म के बाद बात तस्नीम, शादी के मायना के बारे में तो का जाने लो। निकाह के बाद अच्छा अच्छा कपड़ा पहने के मिलेला और बड़ा महल में रहे के मिली। और का यह मायने बा आपके खातिर निकाह के? जी ठीक बाप जा सकेली। आदाब। आदाब। हमके उम्मीद बा शहंशाह कि रउआ के जवाब मिल गईल होगी कि वो बच्चे के दिल में का बा और वो ही निकाह काहे करे चाहत दिया। जब काजी साहब पूछे ले तब हम कबूल बा कहीं नहीं। और का आप ही निकाह करे चाहता नहीं? जी हमके ई समझ ना रहल कि तस्नीम विवाह खातिर हाँ कैसे कर देलस। अवश्य ओकर माता पिता ओके डरा धमका के ही हाँ करवैले होखिए। तोके याद बा कैसे उ दिन आदम खान से भयभीत होके हमरा पीछे छिप गईल रहे? जे लड़के आदम खान से इतना भयभीत हो सकेली ओ अचानक से शहंशाह के सामने विवाह खातिर स्वीकृति कैसे दे सकेली? एकर जड़ में अवश्य कोनो और बात बा। अब जड़ में चाहे जे भी बात हो के जोधा, तस्नीम शहंशाह के सामने विवाह खातिर हाँ कर चुकल बिया। अब हमके नहीं खिलागत कि हम कोनो तरह से भी विवाह के रोक सके नहीं। इहे बात के भय हमके भी बा मोती, वो अबोध बालिका के भविष्य ना बिगड़ जाए। अब सब कुछ शहंशाह के निर्णय पे निर्भर करेला। उम्मीद करत बानी जे समय उ निर्णय लेवे खातिर ले ले बा उकरा में उ सही विचार करके उचित निर्णय ली है। तस्नीम, तू खेले काहे ना आ रहल बाड़ू? आना खेले ना रेशमा, आज ना। काहे आना खेलल जाए? तू रो कह रहल बाड़ू? अम्मी कहली शादी के बाद रुखसत पे लड़की रोविली ओकरे से पहले ना रोविली। तू अगर फिर से शादी की बात कहलू ना तो हम सच में रो दे। पता बा तोहर अम्मी कहले बानी की तोहरा शादी में हमरा के भी नया जोड़ा दी है। चूड़ी लेला, चूड़ी चूड़ी लेला, चूड़ी चूड़ी लेला, लेला चूड़ी। चूड़ी वाले? हाँ हाँ बोली। पता बा हमार सहेली तस्नीम के भी शादी होखे वाला बा, रउआ हमनी के भी चूड़ी दिखाई। हाँ हाँ हम सुनले रहनी कि केहू के शादी होखे वाला बा, यही खातिर देखी कितना रंग बिरंगी चूड़ी लेके आयल बानी। तस्नीम कहाँ रहलू, इतना वक्त काहे लगा देहलू? चूड़ी लेला, चूड़ी लेला, चूड़ी। ओ चूड़ी वाले भैया यहाँ आवत जरा। हाँ हाँ आवता नहीं, आवता नहीं, आवता नहीं। Ugh.
दिखाई। ई देखी चूड़ी, ई वाला चूड़ी कैसे देले बानी? अरे दाम के काबा, पहले चूड़ी पसंद करी, दाम बाद में कर लिया जाए। अच्छा शादी के लिए कोनो अच्छा चूड़ी दिखावा। ई वाला बा, पर तनी महंगा बा। अरे महंगा सस्ता के परवाह मत करा, और ई घर पे मत जाइए, सूबेदार साहब के रिश्तेदार होके वाला बानी हम, दिखावा जरा अच्छा चूड़ी। ई देखी, वल्ला ये तो बिल्कुल वैसे चूड़ी बा जैसे मल्लिका है पहने ली। और का हमार चूड़ी और कंगन के तब मल्लिका भी दीवानी बारी। बस बस बात मत बनावा, हमरा बेटी तस्नीम के खातिर अच्छा चूड़ी दिखावा। आजा तस्नीम के शादी के बाद हम किलेदार बन जाए, रोज शराब मिले, आदम खान जिंदाबाद। अरे चूड़ी वाला कहाँ खोल बाड़ो, चूड़ी पहनावा के हमके ना पहने के बाद चूड़ी, और ना ही हमके शादी करके बा, आदम खान बहुत बुरा बाड़े। बेटा ऐसा ना कहले, चला चूड़ी पहन लो, चला। हम कहनी ना, ना करके बा हमरा की शादी। बदतमीज, हमार जिंदगी खराब करबू, कैसे ना करबू शादी? तू है करबू जो नाम का हमरा किलेदारी देवे के वादा केले बड़े आदम खान साहब। शहंशाह से हम कह चुकल बानी कि तोहर शादी होखी तो सूबेदार साहब से ही होखी, तोहर मर्जी होखे या ना होखे, सुन लो तू। उ तो रउआ लोग मर ले रहनी, ई खातिर हम हाँ कहनी। चुप कर। अरे काहे मारा तारा बच्चा के, जब वो ना करे चाहता री शादी तो काहे ओकर जबरदस्ती शादी करवावे चाहता रहा। दू कौड़ी के चूड़ी वाला, तू होखे वाला किलेदार से बात कर रहल बड़े, समझ ले? तू अपन चूड़ी बेच, चल निकल यहाँ से। ना बेचे के बचूड़ी हम रखे। बहुत आवेला तोरा जैसन चूड़ी बेचे वाला, अगर दोबारा ही गली में दिखाई दे लेना तो जहाँ के किलेदार बने जा रहल बानी ना, ओजे के दीवार में चुनवा दे तू होके लेके। हमार बेटी भी जगह से चाही शादी करी, बड़ा आइल बा कासी बनल फिरता। चल निकल यहाँ से, निकल, उठाओ अपन ताम तबुड़ा यहाँ से। चूड़ी वाला की शादी ना करे के बा, हमार खिलौना यही रह गई, हमके नया घर में ना जाए के बा। इहोत बा हमार सल्तनत में एगो नाबालिग मासूम बच्ची के शादी, जेकरा शादी के मतलब तक ना मालूम बा। जोधा बेगम ठीक कहेली, फैसला के वक्त बा कानून रियाया खातिर होखेला, रियाया कानून खातिर ना। कोनो कानून से आवे वाला नस्ल के मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, वो कानून के रोके के पड़ी। एगो शहंशाह खातिर मुश्किल फैसला बा, एगो और करवा सच, और दूसर तरफ सदियन से चला आ रहा रिवाज, हमके फैसला करे के ही पड़ी। अरे गानी ना, ये गुलाब यहाँ से निकाल के वहाँ लगा दा, बेगम साहिबा के हुकुम बा। ये पौधा बा, एकरा में जान बा, डाल नीखे यहाँ से उठाई दी वहाँ रख देनी, खेले से पहले एकरा के निकाल देनी ते एकर जड़ कमजोर हो जाई, ना फिर यहाँ लगी और ना वहाँ। एक बार कली निकल आए, पौधा मजबूत हो जाए, ओकरा बाद जहाँ जहाँ कहबा वहाँ वहाँ लगा दे। शहंशाह। आदाब शहंशाह, गुस्ताखी माफ हुजूर, आपके आवे के पता ना चला। शहंशाह के इकबाल बुलंद होके का हमार गैर मौजूदगी के बारे में केहू के पता चलल? ना हुजूर, एकदम सही वक्त पे लौटे नहीं। सही वक्त आप सल्तनत के आवे वाला बात का साहबा, हम समझ नहीं ना हुजूर। हम अभी माली के कहा सुन ली कि गुलाब के अगर मजबूत होके बगैर कहूं और से उखाड़ के लगा दी हल जाए तो मुरझा जाएला। सही कहला सऊ, हर बात के को वक्त होखेला, समय से पहले कैल गेल काम कबो फायदा ना पहुंचावेला। अफसोस यह बात के तबाहत का साहब, इंसान पौधा के बारे में तसोस सकेला लेकिन खुद इंसान के बारे में का, वो मासूम बच्ची लैकियन के बारे में का जिनकर कम उम्र में शादी करवा दी हल जाला। अभी जब हम बाजार से लौटत रहनी थे वो ऐसा नजारा देखनी जे हमके अंदर तक चीर देलस। एगो तस्लीम से कम उम्र के लड़की के डोली जात रहे,
और जो दूल्हा रहे उम्र में हमसे भी बड़ा रहे। बंदा हुजूर के बात के मतलब समझ रहल बा। इंसानी नजरिए से देखे तो कम उम्र में निकाह कइल ठीक नहीं खे, लेकिन ये रिवाज है सहनसा। लोग समझे ले कि कच्चा उम्र में अगर लड़की दूसरा घर में चल जाए तो वहाँ के रहन सहन में ठीक से ढल सके ले। ये रिवाज सैकड़ों साल से चला आ रहा बा। कई बार तो बच्चा इतना छोट रहे ले कि उन लोग के पता ही न चलेला कि उनकर निकाह हो गए बा। अन कहा कायदा बन गए भाई। पर जो उन गलत बहु कायदा ही नहीं खे अदका साहब, जरूरी नहीं खे जो उन सदियन से चलावत बा वो सही होके ओकरा बदलल जा सकेला, ओकरा खिलाफ कानून बनावल जा सकेला। का हमरा से पहले ऐसा कोनो बादशाह ना सोच ले। बेशक हुजूर, रघुआ से पहले भी कई हुक्मरान कई कानून बदले बड़े, नया कानून बनौले बड़े। अलाउद्दीन खिलजी, शहनशाह सूरी एकर मिसाल बड़े। और का रियाया ये कानून के इस्तकबाल करी? अवाम के अगर बादशाह पे यकीन होके तो वो उनकर बात के समझे ले और कानून के कबूल भी करे ले। ठीक बात का साहब, हम ये बारे में नया कानून चाहता नहीं। तो मामला यहाँ तक पहुँच गए बा, नाबालिग से निकाह रोके के कानून बनाए जा रहा बा। मगर हमार नाम अधम खान बा, महामंगा के बेटा, ऐसा जवाब दे कि सब दंग रह जाएं। होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़न। कल हम अधम खान और तस्लीम के मामला में एक दिन के मुलतवी कैले रहनी और आज हम उस बाबत फैसला देब। एक दिन के वक्त लेवे के मकसद रहे कि हम ई मामला के तह तक जा सकी। तारीख गवाबा की नया कानून बनावल गए बा और पुराना कानून बदल गए बा। हमार मरहूम दादा शाह बाबर साहब और जन्नत नसीर वालिद जनाब हुमायूं साहब ने भी रियाया के भला खातिर नया कानून बनैले बने और आज हम नया कानून बनाएब जो नाज से अभी से पूरा सल्तनत में ही लागू होई और लोग इकरा जिल्ले इलाही के हुकुम मान के कबूल करी। हम महसूस कहनी के नाबालिग लोग के निकाह उन पे जुल्म हो खेला, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो खेला। ये खातिर हमार हुकुम मा की कोनो भी लड़की के निकाह ओकरा 14 वर्ष पूरे होके से पहले ना कइल जाए। ये कानून के तोड़े वाला सजा के हकदार हुई फिर चाहे वो लड़की के वालिदैन ही कहे ना होके। ये कानून पूरा सल्तनत में लागू हुई, हर मजहब हर जात हर खासो आम ये कानून के दायरा में आई है। केहू के भी कोनो तरह के छूट बर्तल ना जाए। अदगा साहब, एकरा में कोनो दूराय नहीं है कि बादशाह सलामत जो नया कानून बनौले बाड़े उ आवाम के गो नया रोशनी दी, बच्चियन के मुस्तकबिल के रोशन करी। हम एकरा मंजूर करता नहीं। ये फरमान के नकल बना के पूरा सल्तनत में पहुंचा दिहल जाए, हर गांव हर शहर में ये नया कानून के मुनादी कइल जाए। हुकुम के तामील होखी हुजूर। अब जब ये कानून बन गई बता आदम खान भी वो कानून के दायरे में आयले ता इलिहास से ये तस्लीम से निकाह ना कर सकेले। जनाब आलिम साहब, और आलिम साहब के बारे में का राय बा? शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन साहब के बात से मुत्तफिक बानी, आदम खान के अब यह हक नहीं खे कि वो तस्नीम से निकाह कर सके। इजाजत हो के तो हम कुछ अर्ज कर चाहता नहीं।
इजाजत बा। हम शहंशाह के इंसाफ से इत्तेफाक नहीं खे रखता नहीं। हमरा साथ ना इंसाफी भेज बा। आदम खान, ये मत भूला कि ये वक्त जिले इलाही के सामने खड़ा बड़ा, दीवाने खास में बड़ा, शहंशाह के हुकुम के खिलाफ गईल उनकर तौहीन बा, गुनाहे अजीम बा। मुआफ करी है अदगा साहब, अदहम खान कोनो गुनाह नहीं खे कर रहल बाड़े और कोनो भी कानून में ही नहीं खे लिखल बा कि मुद्दई अपन बात नहीं खिलक सकेला। वो कहले कि वो सिर्फ अपन बात शहंशाह के सामने रखे चाहत बाड़े। अदगा साहब, अदम खान के हक बा अपना बात रखे के कहा अदम खान। शुक्रिया शहंशाह, हम बस इतना कहल चाहता नहीं कि जब रहुआ ही कानून बना रहल बानी तब भी हमार सल्तनत में ऐसा निकाह हो रहल बा, कल तक पूरा सल्तनत में, सरप्रस्त रियासत में, यहाँ तक कि अमीर में भी ऐसा निकाह भइल होखी। अगर तब केहू कोनो सवाल नहीं के उठैलस, जब अदहम खान के बात आयल तब कानून बन गए। हमार सुनवाई ये कानून लागू होके से पहले चल रहल बा, ऐसे हम ये कानून के दायरे में नहीं थी। कानून के दायरे में सब लोग आवेले आदम खान। अगर ऐसा बात बताई कानून शहंशाह पर भी लागू होखेला, वो भी एकरा दायरे में आवेले। बस आदम खान, अब तू हद से आगे बढ़ रहल बड़ा। सल्तनत के सबसे बड़ा कानून ही होखेला कि शहंशाह हर कायदा हर कानून से ऊपर होखेले। वो जौन बोल देवेले वह कानून बन जाला। बादशाह जिले इलाही बढ़े, खुदा के परछाई वो आवाम से ऊपर बढ़े, यही से आवाम के बनावल गेल कानून उनकरा ऊपर लागू ना होखेला। बादशाह के फैसला के ना केहू बदल सकेला, ना ओकरा पे केहू उंगली उठा सकेला। अगर बादशाह के फैसला पे केहू एतराज कर सकेला, ओकरा बदले के कुवेत रखेला, तो वो बढ़े खुद बादशाह सलामत। और सूबेदार होखला के नाते ये बात रउआ अच्छा तरह से जाने नहीं आदम खान। बादशाह के दायरा खुद बादशाह तय करे ले, आवाम या सूबेदार ना। अगर अगला बार ये गुस्ताखी भइल तो तोहरा कानून के तहत बागी करार दे दिहल जाई। बेशक बादशाह खुदा के परछाई होखेला, लेकिन खुदा के परछाई कानून के ऊपर होखेला, तो आवाम का समझी। कानून सबके खातिर बराबर होखे के चाहिए, याम या खास। हम शमसुद्दीन साहब के बात से मुत्तफिक बानी और हम जानीला कि शहंशाह हर कानून से ऊपर होखेला। बेशक अदगा साहब के बात से सब इत्तेफाक रखे ले, लेकिन आदम खान के बात में भी वजन बा। बादशाह के जरूर हक बा कि वो कानून बनाए या बदले। एक खातिर हम ऐलान करतानी कि कानून के दायरा में हम भी आवे। ये कानून हमरा पे भी लागू हुई, अगर बंदिश हमरा पे भी हुई और हम कोनो नाबालिग से निकाह ना करब। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, जिल्ले इलाही जिंदाबाद। बहुत खूब बादशाह सलामत। रउआ तो एक मिसाल कायम के लिए बानी कि अब रउआ कोनो नाबालिग कमसिन लड़की से निकाह करे के गुनाह ना करब। पर जे गुनाह रउआ कर चुकल बानी ओकर का काई याद दिलाल जरूरी बा कि खुद शहंशाह एक नाबालिग के साथ है निकाह कर चुकल बारन। रुकैया बेगम के साथ निकाह करे के वक्त शहंशाह के उम्र महज 11 साल के रहे। रुकैया बेगम के उम्र महज 9 साल। अगर शहंशाह अपना आप के कानून के बंदिश में माने लन तो का शहंशाह को गुनाह नहीं खे कैलन, का रुकैया बेगम के साथ उनकर निकाह नाजायज नहीं खे, गैर कानूनी नहीं खे। मादम खान,
सच कड़वा होखेला हुजूर। अपना जबान के लगाम दिया था हम खान, वरना हम अपन हाथ रखी वजीरे आलिया। जैसन के रउआ कहले रहनी कि हम दीवाने खास में बानी, यहाँ हमरा बेटा नहीं खी बल्कि मुगल सूबेदार बानी, आपन सफाई रखता नहीं। दीवाने खास में वजीरे आलिया के सजा देवे के हक बिल्कुल नहीं खे। सजा देवे के हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह के बाद, शहंशाह के हर सजा हमके कबूल बा। अगर रउआ चाहें तो हमार सर कलम कर सके नहीं, मगर हमके लागत था कि अगर ये कानून सही बा तेकरा से पहले तमाम निकाह नाजायज साबित हो रहा बा। अगर शहंशाह अपन निकाह पे कायम रहता ने तो हमके भी कानून ना मंजूर बा। अधम! रउआ जाने ले कि रउआ केकरा बारे में बात कर रहा बड़े अधम खान। खुदा के हाजिर नाजिर मान के हम शहंशाह से निकाह के लिए बनी, हम मलिका एक खास बनी, और रउआ के लागत बा कि हमारा निकाह शहंशाह के साथ नाजायज बा, गैर कानूनी बा। रउआ भरा दरबार में मल्लिकाए बेगम के शान में गुस्ताखी करने पड़े, रउआ के एकर सजा मिली, जरूर मिली। माफी चाह बेगम साहिबा अगर रउआ के तकलीफ पहुँचा धोखे, मगर कानून बन चुकल बा और शहंशाह के मुताबिक रउआ हम और सब एक कानून के दायरे में आवे ले। हम सिर्फ एक जायज सवाल के लिए बानी जेकर जवाब शहंशाह के देवे के होखी। हो सकेला कि हमार सर कलम कर दिहल जाए, हमार जुबान खामोश कर दिहल जाए, मगर जब लाखों के तादाद में आवाम सर उठा के यह सवाल पूछी तब तब का होखी। हम शहंशाह के बेपना इज्जत करीला। अगर शहंशाह के हमार गुस्ताखी माने लें और हमार सर कलम करल चाहें तो हम हसत हसत अपन जान देवे खातिर तैयार बानी। अब फैसला रहुआ हाथ में बा शहंशाह, या तो रहुआ हमरा के तस्नीम से निकाह करे की इजाजत दी, या फिर खुद ई कानून के इज्जत कई के बेगम रुकैया सुल्तना के तलाक दी। शहंशाह के हर फैसला हमके मंजूर होखी, अब ये बंदा की इजाजत दी, शहंशाह के इकबाल बुलंद होखे। शहंशाह अधम के हम समझाइब, ई मामला में हम समझाइब अधम के और माकुल सजा भी देव कि वो गुस्ताखी कैले सौवा के सामने, ओकर वालिदा भैला के नाते हम माफी चाहत बानी, हम समझाइब इजाजत दी। अधम खान की गुस्ताखी माफी लायक बाही ना जलाल, हम रउआ से खफा बानी जलाल, रउआ हमार इतना बड़ा तोहीन बर्दाश्त कैसे कैला। उ रउआ के हमके तलाक देवे के कहलस और रउआ चुपचाप खड़ा सुनत रहला, रउआ तो रउआ मरी मकानी भी कुछ न कहली। हैरान बानी हम जलाल कि का रउआ के शमशीर इतना भारी हो गयल रहे कि रउआ से उठावल नहीं के जात, या अधम खान के रुआब इतना बढ़ गयल रहे कि रउआ के शमशीर ओके छू न सकल। दीवाने खास के कानून कायदा सफाई देवे वाले के हर बात कहे के हक देला, सफाई देवे में और कीचड़ उछाले में बहुत फर्क होखेला मलिका आजम, मानी ले। लेकिन हकीकत ये बा कि हम सब हैरान हो गेल रहनी कि अधम खान खुद बादशाह पे उंगली उठावे के गुस्ताखी कर बैठी, ता अम्मी जान गुस्ताख के सजा दिहल जाले। रउआ ऐसा कानून काहे बना रहल बानी जे खुद रउआ के गुनहगार साबित कर रहल बा, हमनी के रिश्ता पे सवाल खड़ा कर रहल बा जलाल। अपना आप के संभाला रुकैया बेगम, माफी चाहत बानी मलिका आजम, लेकिन सच में हमके रउआ से ये उम्मीद ना रहे। जब बात जोधा बेगम के हो खेले तब रउआ सबके बीच बोल ले ली, तब रउआ के दीवाने खास के परवाह ना हो खेले। रुकैया बेगम, रउआ बस बस जोधा बेगम, हम
रउआ से कोनो बात नहीं करे चाहत। रुकैया। ओह, तो अब रउआ के हमार बात पे भी एतराज होखे लागल बा अपना ही नया बेगम की वजह से। जलाल, हमके लागत रहे कि ई बात सिर्फ रउआ और हमरा बीच बा, लेकिन ना, ई बात तो हमार और जोधा बेगम के बीच के बा। आज वो इतना खास हो गइल बानी कि हमनी के बीच आ गई। रुकैया, जब हम आपसे बात करत आनी तो हमरा तरफ देखी। हम पहले भी आपके कई दफा समझा चुकल बानी, है दोबारा भी दोहरावत आनी। आप सिर्फ हमार बेगम में खास नहीं के हमार सबसे अजीज दोस्त, हमार मशवरा कार बानी। आपके और हमरा रिश्ता के बीच में केहू ना आ सकेला। रहल बात अदम खान के, तई बारू गुस्ताखी के हद पार कर देले बा, ई बारू गुनाह कइले बा। अगर ऐसा रहे तो वो वक्त रहुआ के कुछ कहने कहने के कहे कि हम वहाँ सहिनशाह रहनी। रुकैया, हम वहाँ इंसाफ करे बैठल रहनी। अगर एगो मुलजिम के उकसावे पे हम अपर शमशीर निकाल देती तो हमरा शान के खिलाफ होत। और सच कही तो हमके आदम को वो पसंद ना रहे, चूंकि वो बड़ अम्मी के बेटा बा, चूंकि वो हमार दूध भाई भाई खातिर हम ओकर माफ करत आयल बानी। मगर ई बार वो बहुत ही शातिर तरीका से हमरा ही बनावल कानून पे सवाल उठैले बा। एकर मतलब बाकी अब हमनी के तलाक होखला से केहू नहीं खे रोक सकेला जलाल। ठीक बा, ई बार जोधा बेगम अधम के शिकायत कैली तब बात यहाँ तक पहुंचल। कल एक और बेगम शिकायत करी तब बात आवाम तक पहुंच जाई। लेकिन रउआ इस बारे में कुछ ना कर सके ले शहनशाह, लेकिन हम जरूर करब। एक शहनशाह के इतना मजबूर करब कि वो अपना बेगम की शिकायत पे फैसला ले। और ये बात बेगम की शिकायत होगी खुद शहनशाह के खिलाफ। हम जाना था नहीं रहुआ यहाँ कहाँ है अलबानी। मारी हम क्या अम्मी जान, मारी रहुआ हम क्या वहाँ तो ना मार पेनी, लेकिन यहाँ तो मारी मारी अम्मी जान मारी हम क्या। हम रहुआ के तमाचा ना मारत अद हम राउर सर कलम करवा देती। बेगम रुकैया के तलाक के बाद रहुआ के जहन में आई कैसे और जहन में आई भी तो जुबान पे कैसे आई। हम रहुआ से कुछ पूछ रहा बानी। कहे कि हम जलाल और अदगा खान के बात सुन लेले रहने। का बात करत रहले हूँ? अपन सर झुकाई अधम, सर झुकाई अधम। चौंकी मत अधम, हम इतना खुश बानी आज कहे कि हमरा के उम्मीद नहीं खे रहे कि रउआ ऐसा कुछ करी है। रउआ हमरा तरह सोच ले अदा, हम भी वह करी थे। आज जिंदगी में पहला बार रउआ सही कदम उठाई ले बानी। आज हमके फक्र बा कि हम रउआ के अम्मी जान बानी। जलाल से मोहब्बत करी ले हम, लेकिन सियासत में मोहब्बत के खातिर कौनो जगह नहीं खे। अब हमने के यही देखे के बाकी जलाल का चुने ले, रुकैया के हाथ या बेगम जोधा के साथ। कहे कि अगर वो बेगम रुकैया के तलाक दे दहले, उनका निकाह टूट गई तो इल्जाम जाई बेगम जोधा पे और उकरा बाद खेल खेला भाम और रउआ। और अगर वो रुकैया बेगम के तलाक ना दहले तब भी रउआ फायदा में बानी अदहम, काहे कि फिर रउआ तस्नीम से निकाह कर सकेले। और अगर जलाल बेगम रुकैया के तलाक दे दहले तो बेगम रुकैया के पता चल जाये की हमनी के हैसियत का बा और उनका औकात का बा। मसाई। लेकिन अम्मी जान, जलाल रुकैया बेगम से फिर से
निकाह तो कर सकेले ना कर सकेले आदा हम कानून नहीं खे कर सकेले जलाल के अगर बेगम रुकैया के साथ दोबारा निकाह करे के बा तो बेगम रुकैया के केहू और से निकाह करे के पड़ी। वो दूसरे शोहर के साथ कुछ वक्त बिताइला के बाद दूसरे शोहर के तलाक दे के ही जलाल बेगम रुकैया के साथ निकाह कर सकेले और ई रुसवाई ना जलाल बर्दाश्त कर पई है और ना ही बेगम रुकैया। अब रवा के एक बात बताई कहीं अम्मी जान, रवा जब से छोटा रहले तब से हमारे ख्वाहिश रहे कि कब रवा बड़ा बनी है और कब हम रवा के सामने झुक के रवा के सलाम करब। आज दिन आ गई बा, यही खातिर आज रवा के अम्मी रवा के सामने झुक रहल बिया और रवा के कह रहल बिया सुबेदार अदहम खान रवा के इकबाल बुलंद होके। अम्मी जान कितना दुखी काहे बाड़ू जोधा, अपना भाग्य के कोस रहल बानी मोती। जब ही हम केहू के खातिर शुभ सोची ले वो अशुभ काहे हो जाला। तस्नीम के जीवन के सुरक्षा खातिर हम शहंशाह से प्रार्थना कैले रहनी और उल्टा ई भय कि रुकैया बेगम के मन के ठेस पहुंच गए और उनकर सोचर भी बहुत उचित बा, जिकरा से वो इतना प्रेम करेली ओकरा साधु संबंध विच्छेद के कैसे सह सकेली। ई सब वो अदम खान के वजह से भइल बा, शहंशाह के वही दीवाने खास में ओकर वध कर देवे के चाहत रहे, ओकर दुष्टता के वजह से पूरा परिवार कष्ट में बा। ई सब हम अदम खान के विषय में नहीं सोच रहल बानी मोती, हम रुकैया बेगम के विषय में सोच रहल बानी। कहीं ना कहीं उनकर क्लेश के कारण हम बानी। ई अनुचित बा जोधा, तू हर बार स्वयं के काहे दोषी मान ले लू, एकरा में तोहार का दोष। हम जानी ले के हमार दोष नहीं है और केकर बा हमके ई भी पता बा। केकर बा ओ बाद के बात बा, मोती तू अभी जा, रात्रि बहुत हो चुकल बा, हमके विश्राम करे के बा। परंतु जोधा हम मोती तू जा।